من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے بنا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی میں ہے خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہیں وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور نور ایمانی اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور اسی روشنی میں وہ اپنی زندگی کا سفر پورا کرتا ہے اور کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی نور نہیں ہے وہ کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے نہ تو کوئی نصیحت اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور نہ ہدایت کے راستے پر وہ چلتا ہے نہ اللہ کا خوف دل میں ہے نہ آنکھوں میں شرم و حیا نہ زبان پر سچائی ظاہر ہے کہ ایسے لوگ برابر نہیں ہو سکتے وہ جس کو نور ایمان ملا اور جس کو شرح صدر کی دولت ملی وہ خوشبخت ہے اور جو نور ایمان سے محروم کر دیا گیا اور بھٹکتا پھر رہا ہے وہ بدبخت ہے اور اس کی بدنصیبی میں کوئی شبہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ آیت تلاوت فرمائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے یہ آیت تلاوت کی اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شرع صدر کا ذکر اس آیت میں آیا ہے وہ ذرا بتا دیجئے کہ سینہ کیسے کھل جاتا ہے سینہ کیسے کشادہ ہوتا ہے
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया कि जब नूर दिल में दाखिल होता है तो सीना कुशादा हो जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, शरह सदर की, सीने के कुशादगी की अलामत क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातें इरशाद फरमाई। एक बात ये कि आखिरत की तरफ तवज्जो होती है, और दूसरे ये कि जो धोखे का घर है यानी दुनिया, उससे बेरहमती होती है। आखिरत के बारे में इरशाद हुआ दारुल खुल्द, हमेशा रहने वाले घर की तरफ रहमत होती है, और दुनिया के बारे में इरशाद हुआ दारुल गुरूर, अत्तजाफी अन दारुल गुरूर, दारुल गुरूर से अलहदगी हो जाती है, बेरहमती बढ़ जाती है। और तीसरी निशानी इरशाद फरमाई के मरने से पहले मौत की तैयारी। ये तीन अलामतें हैं शरह सदर की, सीने की कुशादगी की। जिसका सीना अल्लाह अपने करम से कुशादा करेगा वो दुनिया से बेरहमत होगा और आखिरत की तरफ उसकी तवज्जो बढ़ेगी और मौत से पहले मौत की तैयारी की फिक्र करेगा। आयत में ये बात भी है कि जिनके दिल मुर्दा हो गए, सख्त हो गए, उनके लिए तबाही है। वैल कहते हैं खराबी बर्बादी को, और वैल जहन्नम की वादी का भी नाम है जहाँ जहन्नमियों का खून पीप जमा होता है। वैल के बारे में कौल ये भी है कि वो जहन्नम में आग का एक पहाड़ है, उसका नाम वैल है। खराबी और हलाकत है उन लोगों के लिए जिनके दिल सख्त हो गए। दिल का सख्त हो जाना ये नाफरमानी की नक्द सजा है जो दुनिया में इंसान पर डाली जाती है। हजरत मालिक इब्ने दीनार जो मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते थे कि बंदे के लिए दिल की सख्ती से बढ़कर कोई सजा नहीं। कसावत कल्बी सबसे बड़ी सजा है जो इंसान पर डाली जाती है, और अल्लाह ताला का गुस्सा किसी कौम पर उसी वक्त उतरता है जब उनके दिलों से नरमी निकल जाती है। तफसीर मज़री में जब दिल सख्त हो जाते हैं खुदा का कहर अज़ाब मुतवज्जे होता है। नरम दिल इंसान अल्लाह ताला की रहमत और उसके अल्ताफ और उसके करम के मौरिद बनते हैं, और जिनके दिल सख्त हो जाते हैं वो अल्लाह ताला के गजब व गुस्से के हकदार हो जाते हैं। इंसान को हमेशा जांचते रहना चाहिए कि उसका दिल सख्त तो नहीं हो गया, इसलिए कि इंसान के दिल की सख्ती गुनाह की वजह से होती है और बढ़ती चली जाती है। इरशाद हुआ सूरह बकरा में, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ, इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। यहूदियों के बारे में वो पत्थर की तरह हो गए बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त। अजीब बात है, कहां पत्थर से भी ज्यादा सख्त, और उसके बाद दलील कायम की कि وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, इसलिए कि पत्थर तो ऐसे होते हैं कि बास पत्थरों से चश्मे बहते हैं, और बास पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे पानी रिसता है, फट जाते हैं उनमें से पानी रिसता है, और बास पत्थर ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला की खशियत की वजह से गिर पड़ते हैं। लेकिन इंसानों के दिल सख्त होते होते इस दर्जे तक पहुंच जाते हैं कि उन पर कोई बात असरअंदाज नहीं होती, और ये दिल की सख्ती गुनाह की वजह से। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, सूरह मुतफ़फ़ीन 30 पारा। उनके दिलों पर जंग लग गया उन गुनाहों की वजह से जो वो कमा रहे हैं। गुनाह नाफरमानी दिल का जंग बन जाते हैं।
حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد, جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے زنگ ختم ہوگا, ارشاد ہوا کہ موت کا تذکرہ کرنا, خوب یاد کرنا اور اللہ کو کا ذکر کرنا. موت کا تذکرہ انسان کے دل کا زنگ چھڑاتا ہے, اور قرآن پاک کی تلاوت یہ زنگ چھڑاتی ہے, اور اللہ کا ذکر یہ بھی زنگ کو دور کرتا ہے. روایت میں, اس روایت میں جس کا میں نے تذکرہ کیا, دو باتیں, موت کا تذکرہ اور تلاوت قرآن, اور دوسری روایتوں میں اللہ کی یاد کا بھی ذکر ہے کہ اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی, اللہ نے بہترین بات اتاری کتاب, ایسی کتاب جو آپس میں ملتی ہوئی ہے اور دہرائی جاتی ہے. یہ جو ارشاد ہوا کہ اللہ نے بہترین بات اتاری, اسی کی وضاحت اگلے ٹکڑے میں کہ وہ کتاب ہے قرآن پاک, کہ جس میں بالکل صاف ستھرے احکامات بیان ہوئے ہیں, آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں مگر مضامین جدا گانا ہے, اور بہترین فصیح و بلیغ باتیں بیان ہوئی ہیں. مثانی بار بار دہرائی جاتی ہیں قرآن کی آیتیں, کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے, کتنی تلاوت کی جاتی ہے کائنات میں, روئے زمین پر, آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے. کسی مذہب کے ماننے والے اپنی آسمانی کتاب سے وہ شغف و تعلق نہیں رکھتے جو ہم کو ہے. اس گئے گزرے دور میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اور کثرت سے تلاوت کرنے والے موجود ہیں. ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا سید الرحمان اعظم ندوی دامت برکاتہم, اللہ تعالیٰ ان کو دیر تک سلامت رکھے. ندوۃ العلماء کے محتمی میں اتنی ذمہ داریاں مشاغل ان پر ہیں, عمر بھی بڑھاپے کی 85 سال سے زیادہ عمر ہو گئی. ہر فرض نماز کے بعد ندوے کی مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں, وہ معمول ہے, اور 12 سوا 12 روز ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں, اور دن بھر دن رات کی تلاوت ملا کے کم و بیش کبھی 8 پارے 9 پارے 10 پارے ہو جاتی ہے اہتمام ہے تلاوت کا. اور آج سے نہیں ہے, برسوں برس سے معمول ہے. سوچیے کہ کتنے قرآن پاک ختم ہو رہے ہیں. ہمارے ایک بہت محترم دوست ہیں اور ہمارے عزیز بھائی ہیں مولانا صلاح الدین سیفی صاحب. میں نے مولانا سید الرحمان صاحب کا معمول کسی ملاقات میں ان کے سامنے نقل کیا, ان کے علم میں نہیں تھا. ابھی قریب میں ملاقات ہوئی, وہ کہنے لگی کہ پہلے میں 3 پارے قرآن پڑھتا تھا, لیکن جب آپ نے مجھ کو وہ بات بتائی تو مجھ کو یہ احساس ہوا کہ تلاوت بڑھانی چاہیے اور 5 پارے پڑھتا ہوں. وہ مجھ کو بتایا کہ جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت سے لے کے اب تک 50 قرآن مجید ختم ہو گئے. اور ماشاء اللہ دیکھیے تلاوت کرنے والے کیسی تلاوت کی عالی ہیں. الحمدللہ صرف علماء نہیں, حفاظ نہیں, غیر عالم غیر حافظ وہ بھی جن کو ذوق ہو جاتا ہے وہ کتنی تلاوت کرتے ہیں, کہ جو قرآن یاد کر رہے ہیں مدرسوں میں, جو قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں. یہ ایسی پاکیزہ کتاب ہے کہ اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کسی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی. اسی لیے اس کی یہ شان بیان ہوئی کہ مثانی خوب دہرائی جاتی ہیں, آیتیں دہرائی جاتی ہیں. دوسرا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو الگ الگ اسلوب میں بار بار ذکر فرماتا ہے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. جیسے حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ کتنی جگہ قرآن میں آیا ہے, حالانکہ واقعہ ایک ہے لیکن اس کو بار بار بیان کیا گیا, دہرایا گیا.
वो इसलिए ताकि इंसान के दिल पर बात नक्श हो जाए। ये बात मुसल्लम है कि इज़ा तकर्ररा तकर्ररा, जब बात दोहराई जाती है दिल पर सख्त हो जाती है, नक्श हो जाती है। तख़्शअ मिन जुलूदिल्लज़ीन यख़शौना रब्बहुम, जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनकी खालें लरज जाती हैं। कुरान पाक से सुम्मत लीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, फिर उनके दिल, उनकी खालें और उनके दिल अल्लाह ताला की याद से नरम हो जाते हैं। जो अल्लाह से डरने वाले कुरान पढ़ते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खाल का लरस जाना इसी शक्ल में होता है, बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल में नरमी पैदा होती है। जो लोग कुरान पाक की ज्यादा तिलावत करते हैं वो रकीकुल कल्ब हो जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक में बहुत रक़त कल्बी थी, इसलिए कि कुरान पाक खूब पढ़ते थे। उनके बारे में तो है कि एक मखसूस जगह उन्होंने बना ली थी, वहाँ तिलावत फरमाते थे और ऐसी बेहतरीन तिलावत होती थी कि मुशरिकीन के जवान, उनके घर के लोग जमा हो जाते थे और चुपके चुपके कुरान सुनते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी रिक्कत कल्बी थी, कुरान पाक की तिलावत का चूंकि खूब एहतमाम था। औलिया किराम सुलहात किया, उनका यही हाल होता है, कुरान पढ़ते हैं उनके दिल लरस जाते हैं और उनके उनके आजा व जवारे कुरान के आगे झुक जाते हैं। हदीस में है कि जब बंदा अल्लाह ताला के खौफ से लरसता है और उसके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जिस तरह सूखे पत्ते दरख्त से झड़ते हैं। तबरानी में रिवायत आई है, सूखे पत्ते जिस तरह दरख्त से गिरते हैं उसी तरह अल्लाह ताला का खौफ रखने वाले के जिस्म से गुनाह भी झड़ जाते हैं। कुरान पाक की तिलावत की जाए तो कोशिश हो कि इंसान मुनहमिक हो जाए और अल्लाह ताला की याद में मशगूल हो और उसकी आंखों में आंसू आ जाए। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा से नकल किया गया, जो हजरत आयशा की बहन थी, हजरत अबू बकर की साहबजादी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमशीर निस्बती, उन्होंने कहा कि सहाबा का हाल यही था कि जब उनके सामने कुरान पाक की तिलावत होती थी उनके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे और उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते थे। कुर्तुबी में इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से नकल किया गया कि जिस बंदे के बदन के बाल अल्लाह ताला के खौफ की वजह से खड़े हो जाते हैं और अल्लाह ताला उसके बदन पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है, बदन पर जहन्नम की आग नहीं लगेगी। ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा, ये है अल्लाह ताला की हिदायत कि अल्लाह जिसको चाहता है दे देता है, वमन युज़लिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो उसको कोई नहीं है रास्ता दिखाने वाला। हिदायत अल्लाह के हाथ में, वो जिसको चाहता है अता करता है और जिसको वो हिदायत से महरूम कर दे सारी कायनात मिलकर उसको हिदायत नहीं दे सकती। अफ़मन यत्तकी बिवजही सूअल अज़ाबी यौमल क़ियामा, भला वो शख्स जो अपने मुंह पर बुरा अज़ाब क़ियामत के दिन रोकता है। वक़ील लिज़्ज़ालिमीन ज़ूक़ू मा कुंतुम तकसिबून, और कह दिया जाएगा बेइंसाफों से, जालिमों से, कि चखो जो तुम कमाते थे। जब किसी शख्स के ऊपर कोई चढ़ाई कर देता है और मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो अपने हाथ से उसको रोकता है,
लेकिन जहन्नम में ऐसा होगा कि लोगों के हाथ पीछे की तरफ बांध दिए जाएंगे। अब जब अजाब आएगा तो हाथ से तो रोक नहीं सकते, तो चेहरे से, मुंह से वो चेहरे को इधर उधर करके अजाब रोकने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि उस शख्स की महरूमी में क्या शुबा जो अपने चेहरे पर अजाब को रोकेगा। और क़यामत के दिन जालिमों और नाफरमानों से कह दिया जाएगा कि ये जो कुछ अजाब तुमको हो रहा है ये वही है जो तुम कमा कर लाए हो, चखो जो तुम गुनाह करते थे उसका मजा। كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون, इनसे पहले के लोग झुटला चुके फिर उन पर अजाब आया ऐसी जगह से जहां से उनको वहम गुमान भी नहीं था। आज अगर मक्के के लोग शिर्क कुफ्र इनकार के रास्ते पर जा रहे हैं और पैगंबर को झुटलाते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसी उम्मतें और कौमें थी जिन्होंने अपने अपने पैगंबरों को झुटलाया और नतीजा ये निकला कि वो सब तबाह और बर्बाद कर दी गई और उन पर ऐसी जगह से अल्लाह का अजाब आया कि उनको वह मगुमान भी नहीं था। मैं नहीं सुनाई शुरू فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون, फिर अल्लाह ने उनको दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का मजा चखाया और आखिरत का अजाब तो बहुत ही बड़ा है, काश ये जानते। दुनिया में जो अजाब इंसान पर डाला जाता है वो बहुत छोटा है, आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है। आखिरत का अजाब बड़ा भी है, सख्त भी है, बाकी रहने वाला भी है। वाला अजाब वाल आखिरती अशद व अबका, ज्यादा सख्त भी है बाकी रहने वाले। चूंकि दुनिया फानी है यहाँ कोई सजा भी मिलेगी तो वो भी एक वक्त आएगा तो के खत्म हो जाएगी, और या इंसान खत्म हो गया तो अब सजा का क्या मामला, लेकिन आखिरत में इंसान को बाकी रखा जाएगा, मौत नहीं आएगी। अजाब वहां का बड़ा भी है और सख्त भी है और बाकी रहने वाला भी है। وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, और हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर सब चीज की मिसाल बयान की ताकि वो नसीहत हासिल करें। कुरआनन अरबियन गैर ज़ी उवजिन लअल्लहुम यत्तकून, कुरान है अरबी जबान में जिसमें कुछ भी कजी नहीं ताकि वो एहतियात के साथ चलें। कुरान पाक तो जबरदस्त किताब है और अरबी मुबीन में बिल्कुल साफ सुथरी जबान में, और कुरान बिल्कुल वजाहत से हकायक को बयान करता है और मिसालों के जरिए चीजों को जहन में दाखिल करता है, जहन में बिठाता और जमाता है। अब अगर कोई कुरान की बातों को नहीं सुन रहा है या सुन रहा है मगर समझ नहीं रहा है तो कुरान के समझाने में कोई कमी नहीं है, लोगों के समझने में कमी है। ये बात इरशाद हुई कि कुरान में तो किसी तरह की कोई कजी कोई तिड़पन नहीं है और कुरान में तो तरह तरह की मिसालें बयान हुई हैं। ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا, अल्लाह ने एक मिसाल बयान की कि एक आदमी है कि उसमें कई लोग शरीक हैं जिद्दी, और एक ऐसा आदमी है कि पूरा पूरा एक ही शख्स का है। हल यस्तवियान मसला, क्या ये दोनों मिसालें बराबर हो सकती हैं? यानी एक गुलाम या नौकर ऐसा है जिसमें कई लोग शरीक हैं, उसके कई मालिक हैं, और एक ऐसा है कि जो सिर्फ एक ही शख्स का गुलाम है और उसकी खिदमत और उसके कामों के लिए खास है, तो क्या ये दोनों किस्म के नौकर और गुलाम बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। ये मिसाल इसलिए बयान हो रही है ताकि तौहीद वाले इंसान का और शिर्क करने वाले का मामला वाज़े किया जाए।
मुवाहिद एक मालिक की बंदगी करता है और सिर्फ उसी को पुकारता है और सिर्फ उसी के आगे अपनी हाजतें रखता है और उसी से अपनी जरूरतों का सवाल करता है। और मुशरिक दर दर के ठोकर खाता है, इसको भी पुकारता है, उसको भी पुकारता है, इसको भी राजी करने की कोशिश करता है, उसको भी राजी करने की कोशिश करता है। जाहिर है कि जो मुवाहिद है वो अफजल तरीन है और जो मुशरिक है वो दर दर का भिखारी है, वो ऐसा शख्स ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यालमून। तारीफ है अल्लाह के लिए, बात यह है कि ज्यादातर लोग नहीं जानते या नहीं समझते। अल्हम्दुलिल्लाह यहां जो लाया गया है इसमें कितनी बलागत है कि हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह हम कुरान पढ़ने वाले हम वैसे ही बंदे हैं कि जिनका सिर्फ एक ही मालिक है, हम दर दर के ठोकर खाने वाले नहीं है और हम हर आस्ताने पर जलील होने वाले नहीं है। खुदा ताला ने हमें जिल्लत से, रुसवाई से और बला से और मुसीबत से महफूज रखा है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन, यकीनन आप भी दुनिया से गुजरने वाले हैं और वो भी मर जाने वाले हैं। इंसान दुनिया से रुखसत होगा, सबको जाना है, क्या नबी क्या वली क्या गौसे कुतुब अब्दाल क्या बादशाह क्या फकीर क्या हाकिम क्या महकूम क्या आलिम क्या जाहिल, सबका आखिरी अंजाम मौत है। कितनी मुश्किल जिंदगी है, किस कदर आसान है मौत। गुलशन हस्ती में मानिंदे नसीम अर्ज़ा है मौत, कुलबे इफलास में दौलत के काशाने में मौत, दश्त दर में शहर में गुलशन में वीराने में मौत, हर जगह मौत अपनी छावनी चाहती है और अपना डेरा डालती है। मौत आनी है इसके आने में कोई शक नहीं और जिंदगी जानी है इसके जाने में कोई शुबा नहीं। और इस निजाम से यानी फना का निजाम, मौत का निजाम, इससे अंबिया अलैहिस्सलाम को भी मुस्तस्ना नहीं किया गया और जो नबियों के ताजदार हैं यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी कहा जा रहा है कि आप भी दुनिया से रुखसत होंगे और सारे लोग दुनिया से रुखसत होंगे। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून, फिर यकीनन क़ियामत के दिन तुम अपने परवरदिगार के आगे झगड़ा करोगे। ये जो झगड़े की बात कही गई है ये मोमिनीन और मुशरिकीन के सिलसिले में, वो काफिर कहेंगे कि हमने अगर इनकार किया तो इसकी वजह ये हुई कि हम तक किसी ने पैगाम नहीं पहुंचाया। मोमिनीन कहेंगे तुम तक पैगाम पहुंच चुका था, हम भैया तुम तक पैगाम लेकर आए। और बाज़ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि नहीं, ये झगड़ा जो है ये पैगंबरों और मुनकिरीन के दरमियान होगा। पैगंबर कहेंगे कि ए अल्लाह आपने जो हमको जिम्मेदारी दी थी वो हमने अंजाम दे दी और आपका हुक्म और तौहीद की दौलत और दावत इनके सामने पेश कर दी, और वो झुटलाएंगे कि नहीं हम तक तो कोई आया नहीं, अगर आता तो हम उस बात मानते और तौहीद के रास्ते पर चलते। क़यामत में जो होने वाला है उसकी अभी खबर दी जा रही है और बताया जा रहा है कि क़यामत के दिन अज़ाब को सामने पाकर मुनकिरीन गलत रविश अपनाएंगे। आज मौका है कि वो ईमान कबूल कर लें और आज मोहलत है कि वो सही रास्ते को चुन लें, इसी में उनकी भलाई है और निजात है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम إنه تعالى جواد كريم بل كن بر الرحيم.